धर्मशाला की सैर। नई दिल्ली, 21 मई 2014। प्रिय मित्र राघवन, तुम्हारा पत्र मिला। आशा करता हूँ कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। जानते हो, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की एक सुंदर जगह है। देश विदेश से हजारों सैलानी वहां घूमने आते हैं। हम वहां 3 दिन रुके। उन तीनों दिन हमने बड़े मजे किए। मई के महीने में जहां दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत सुहावना होता है। वहां पर हमारे पहले दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे और अपने लिए तरह तरह की चीजें खरीदी। फिर हम एक स्थानीय जीप पकड़कर धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान मैक्लियोडगंज गए। वहां चारों ओर विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी और ही देश में आ गए हैं। वहां की सबसे प्रसिद्ध जगह दलाई लामा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। वह बहुत सुंदर है। अगले दिन हम भागशुनाथ नामक जगह पर गए। वहां एक बहुत बड़ा झरना था जिसमें नहाकर बड़ा मजा आया। जहां हम नहा रहे थे उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे। तीसरे और अंतिम दिन भी बड़ा मजा आया। उस दिन हम धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर बनी एक झील देखने गए। इसका नाम डल झील था। इस झील का नाम तो डल झील था, पर यह कश्मीर की डल झील नहीं है। यह झील तो उससे बहुत छोटी है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रही, इसलिए और मजा आया। हमने झील में नौकायन यानी बोटिंग किया। फिर शाम को अपने होटल आ गए, क्योंकि रात को ही हमारी वापसी की बस थी। हम अगली छुट्टियों में हिमाचल के दूसरे स्थान डलहौजी जाने की योजना बना रहे हैं। अगली बार तुम भी साथ चलना। मैं तुम्हें धर्मशाला की कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, उन्हें अवश्य देखना। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और समय समय पर पत्र लिखना। तुम्हारा प्यारा मित्र चंद्रन।